The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello, what is particle pollution? What is particle matter? PM. Suna hoga aapne is baare mein. PM, particle pollution, particle matter. एक टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, एक्चुअली सॉलिड और लिक्विड दोनों हो सकते हैं, जो हवा में होते हैं. जी हाँ, टाइनी, इतने टाइनी पार्टिकल्स, कुछ डस्ट के, कुछ डर्ट, कोई सूट, कोई स्मोक, कोई लिक्विड ड्रॉप्स, ये छोटे, इतने छोटिकल पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत, कुछ पार्टिकल थोड़े बड़े हो सकते हैं जो डार्क से दिखें, जो दिख पाएं. फॉर एग्जांपल, कभी कभी आप स्मोक देख पाते हैं एयर में घूमते हुए, वो भी पीएम पार्टिकल्स में आता है. और कई इतने छोटे हैं जो दिखते ही नहीं हैं. सो ये बहुत डेंजरस होते हैं, ये आपके लंग्स में जाके, आपके फेफड़ों के अंदर जाके काफ़ी सारा डैमेज कर सकते हैं. राइट, सो ये आते कहाँ से, राइट? सी, पार्टिकल पोल्यूशन जो है बेसिकली दो तरीके के सोर्सेस से आते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी सोर्स उसका होता है पोल्यूशन. बेसिकली जो प्राइमरी सोर्स खुद ही पोल्यूशन करता है बेसिकली. फॉर एग्जांपल, जैसे कि लकड़ी का स्टोव, लकड़ी का वुड स्टोव, स्टोव है, लकड़ी जला के आप खाना बना रहे हो, वहाँ से प्राइमरी पोल्यूशन, प्राइमरी पार्टिकल आएगा. या जंगल में आग लग जाए, खेतों में आग लग जाए, ये पार्टिकल पोल्यूशन खुद प्राइमरी सोर्स है उसका, और बहुत गहरे मात्रा में प्राइमरी पार्टिकल पोल्यूशन होता है, इससे पार्टिकल मैटर आएगा. दूसरा सोर्स है सेकेंडरी सोर्स. सेकेंडरी सोर्स जो है वो गैसेस निकालता है जो कि पार्टिकल फॉर्म हो कर सकती है, आगे चल के फॉर्म हो सकता है, जैसे कि पावर प्लांट्स, कोल फायर, ये एक एग्जांपल है सेकेंडरी सोर्सेस का. ये सेकेंडरी सोर्सेस जो हैं, जैसे कॉमन सोर्सेस, जो कई सारे ऐसे सोर्सेस हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हो सकते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज, कार, ड्रग, कंस्ट्रक्शन साइट, ऐसे में दोनों चीज़ें हो रही हो सकती हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. और जितने भी फायर और एमिशंस होते हैं, जो पावर प्लांट, फैक्ट्री या किसी कार ट्रक के, उसमें पार्टिकल जो होता है पीएम 2.5 होता है, पार्टिकल स्मोक. पीएम 2.5 जो है वो क्या है? सी, पार्टिकल पोल्यूशन आपके हेल्थ पे कैसे असर करता है? जब आप पार्टिकल मैटर को ब्रीद इन करते हो तो वो आपकी हेल्थ को मेजर डैमेज करता है, आपके फेफड़ों में जाके. जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, कोर्स या बिगर पार्टिकल्स, उनको बोलते हैं पीएम 10 बोलते हैं. और जो क्योंकि वो जो है वो आपके आँखों को, नोज को, गले को इरिटेट कर सकते हैं, वो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, वो आँखों को, नाक को और थ्रोट को इरिटेट कर सकते हैं. जो रोड्स में आते हैं और जो फार्म में आते हैं या ड्राई रिवर बेड या कंस्ट्रक्शन साइट से आते हैं, वो है पार्टिकल पीएम 10. बहुत फाइन वाले जो पार्टिकल होते हैं ना, बहुत ही फाइन, उसको बोलते हैं पार्टिकल छोटे वाले, स्मॉल पार्टिकल पीएम 2.5. ये बहुत मोर, ये ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ये डीप लंग के एरिया में जा सकते हैं और खून के अंदर भी जा सकते हैं आपके. तो यहाँ पर ये और ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं. और अगर इसमें से कुछ आपके हेल्थ में चले गए, आपके मतलब आपके आपके शरीर में चले जाते हैं काफ़ी सारे, कुछ अच्छी मात्रा में, तो किसी को भी ये बीमार कर सकते हैं. और किसी को भी ये अस्थमा से लेके लंग की बीमारी, हार्ट की बीमारी, हार्ट अटैक, बुढ़ापा जल्दी आ जाना, उम्र कम हो जानी, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, बेबी तक, सबको बीमार कर सकते हैं. अगर आपको अस्थमा है तो उसका अटैक आ सकता है, आपके आँखों में इरिटेशन हो सकता है, आपके लंग में, थ्रोट में प्रॉब्लम आ सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ सकता है, लंग कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं, राइट? और इवन प्रेग्नेंट लोगों के बेबी को, बिना जो बहुत बर्न भी, जो अभी बॉर्न भी नहीं हुए हैं बच्चे, उनको भी प्रॉब्लम आ सकती है. बेबीज हु आर, यू नो,
दे कैन बिकम लो बर्थ वेट, प्री टर्म डिलीवरी, ऐसी चीज़ें हो सकती है. हार्ट डिजीजेज आ सकती हैं आपको, राइट, जो पार्टिकल मैटर्स हैं, हार्ट अटैक तक ला सकते हैं, चेस्ट पेन ला सकते हैं, टाइटनेस ला सकते हैं, फास्ट हार्ट बीट ला सकते हैं. ऑब्वियसली ऑक्सीजन सही से नहीं मिलेगा बॉडी को, इरिटेबिलिटीज बढ़ सकती है, इन्फ्लामेशन बढ़ सकता है बॉडी में, आउट ऑफ ब्रेथ फील कर सकते हो, यू नो थका हुआ फील कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें काफ़ी डेंजरस है. तो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, राइट. The only thing which you can do to protect yourself is to check the AQI, Air Quality Index of your area, और उसके हिसाब से जैसा हमने बताया है, बाहर मत निकलो, बाहर ट्रैफिक रोड्स या ऐसी जगहों पे जहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर या रोड ट्रैफिक में ज़्यादातर होता है वहाँ मत आओ. जितना हो सके टाइम अपना इंडोर स्पेंड करो, पार्टिकल मैटर जो पोल्यूशन लेवल है उसको कम आने दो, AQI लेवल कम आ जाए, उसके बाद बाहर जाओ घूमो, राइट. और बाहर जा रहा पड़ रहा है तो मास्क पहन के जाओ. मास्क कौन सा पहनना है उसका एक अलग वीडियो है, वो आएगा, राइट. सो आउटडोर एक्टिविटीज़ चूज़ कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें, ऐसी एक्टिविटी मत चूज़ करो, जैसे रनिंग कर रहे हो तो ज़्यादा तेज़ तेज़ सांस लेने लगोगे और वो ख़तरनाक एयर ज़्यादा तेज़ लोगे, इसलिए कि सिर्फ वॉक करो अगर बाहर जाना ही पड़ रहा है तो. कोई बिजी रोड हाईवेज उसको अवॉइड करो, जहाँ पे पीएम पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो, राइट, जहाँ कार्स और ट्रक होंगे. ये बेसिक चीज़ें आपने याद रखनी है अगर आपको पीएम पार्टिकल्स से बचना है, और अल्टीमेटली पीएम पार्टिकल्स के लिए आपको लेना होगा एक अच्छा मास्क, और मास्क के बारे में हम आपको बताएंगे. वीडियो ढूंढने के लिए याद रखिए मास्क, एयर पोल्यूशन मास्क बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पर टाइप करिए, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पर टाइप करिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो भी देखिए. और एयर पोल्यूशन के बारे में एक जनरल वीडियो भी हमने बनाया जिसमें बहुत बेसिक चीज़ें बताई हैं, कौन कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं. ये तो सिर्फ पार्टिकल मैटर हुआ, बहुत सारे और भी पोल्यूशन है, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में भी वीडियो आएगा. सो सारे वीडियोज़ के बारे में देखिए, आ चुका हो सकता है आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो. सो मेक श्योर टू वॉच ऑल वीडियोज, लाइक ऑल वीडियो. भाई ये टॉपिक सबको पता होना चाहिए, शेयर होना चाहिए, कंसर्न होना चाहिए, और सबने एक साथ आवाज़ उठानी चाहिए, तभी बातचीत होगी कि इनके हर चीज़ को एक एक को रोकना है. जितना हो सके कम कार चलाइए, वॉक कर लो, साइकिल चला लो, कार पूल कर लो, राइट, एक साथ अपना मेट्रो वेट्रो में चले जाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लो, जितना एफर्ट लोगे उतना अच्छा. दिस इज ऑल अबाउट इट. थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.